चलिए, तो अब हम जो हम लोगों ने अभी स्कैन में बात की थी, अगर हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे, तो हमने ऐसे पेशेंट को एग्जामिन किया और देखा पूरी ग्लैंड डिफ्यूजली है, लाल पूरी की पूरी दोनों तरफ की ग्लैंड भर चुकी है। और कई बार हमने ऐसे करके कहा और फिर क्या था, पानी निकलो थूक निकलो, तो उसमें ग्लैंड थोड़ी सी ऊपर आई नीचे गई, हमें पूरी क्लियर दिख गई, पूरी ग्लैंड भरी हुई है। पॉसिबिलिटी जो कि सबसे कॉमन है, फिर हमने देखा पूरी ग्लैंड तो नहीं दिख रही, एक जगह एक गांठ सी दिख रही है सिंगल करके भी नोड्यूल, उसको देखा हाँ बाकी ग्लैंड ठीक है, एक ही जगह एक जगह से नोड्यूल दिख रहा है, सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल। और हमने देखा पूरी ग्लैंड भरी हुई है, एक इधर उभरा हुआ है, एक उधर उभरा हुआ है, एक उधर और बीच बीच में, मतलब वो इरेगुलर ऐसी कंसिस्टेंसी की, तो हो गया मल्टी नोडुलर गोइटर, कैसा टॉक्सिक, क्योंकि रिपोर्ट बढ़े हैं अभी से सेपरेटेड। तो ये तीन कारण हैं हाइपरथायरायडिज्म के मुख्य कारण जो होते हैं, तो जिसको कि हम लोग काफी कुछ देख के अंदाजा लगा सकते हैं, डिफ्यूज ग्लैंड बेस, एक नोड्यूलर क्लोस्ट्रियन और कई नोड्यूल हैं तो टॉक्सिक। इनके साथ में फिर हम काम करें ग्रेव्स डिजीज की, जो डायग्नोसिस है वो कई बार क्लिनिकली हम कंफर्म कर सकते हैं, तो हर केस में हमको इन्वेस्टिगेशन की मदद लेने की आवश्यकता नहीं, कि जब ये इन्वेस्टिगेशन आएगा तभी हम कहेंगे कि ऐसा ग्रेव्स डिजीज में डिफ्यूजली एनलार्ज ग्लैंड है और कभी कभी ऑफ्थल्मोपैथी मिल जाती है, आईज में साइन मिलने लग जाते हैं, और कभी कभी डर्मोपैथी स्किन में कुछ साइन मिल जाते हैं। तो अगर ये तीन है तो टिपिकली ग्रेव्स है, लेकिन स्किन के साइन बहुत कम होते हैं, इसलिए अगर ये दो चीजें मिल रही है तो हम क्लिनिकली ऐसे पेशेंट को हम ग्रेव्स मान सकते हैं, डिफ्यूज ग्लैंड और ऑफ्थल्मोपैथी, और ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हम रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन से हमने बात की कि किस प्रकार की अपटेक होती है डिफ्यूज ग्रेव्स में, एक नोड्यूल सॉलिटरी नोड्यूल में और मल्टीपल नोड्यूल टॉक्सिक एमएनडी। अब ये डायग्नोसिस, अब मेरा प्रश्न क्या है आपसे कि ये डायग्नोसिस आवश्यक क्यों है, हम इन तीनों में डिफ्रेंशिएट क्यों करें, ये केवल एकेडमिक रीजन के लिए, केवल प्रोग्नोसिस बताने के लिए या ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए भी। आप लगाइए पोलिंग आरंभ करिए कि ऐसे केसेस में हम जब बात कर रहे हैं कि हाइपरथायरिज्म है, हाइपरथायरिज्म के तीन कारण हैं, इन तीन कारण को पहचानना आवश्यक है या किताबी बातें हैं, जैसे हमने कहा कि एंटी थायराइड जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज को हमें इसलिए देखना है कि एकेडमिक वैल्यू ज्यादा है, कहीं कहीं उसकी क्लिनिकल वैल्यू है, यहाँ पर क्या है? अधिकांश लोग कह रहे हैं थेरेप्यूटिक्स के लिए, तो वास्तव में इसकी दो महत्ता है, यह डिफरेंसिएशन हमें दो तरह से मदद करता है, पेशेंट का आगे कोर्स क्या होगा और पेशेंट को हमें ट्रीट किस प्रकार से करना है, ये दोनों ही चीजें हम इसमें इनके आधार पे निर्धारित करते हैं। क्या बात है कि ग्रेव्स डिजीज क्या है, ग्रेव्स डिजीज एक इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना, हमने हम जानते हैं कि कभी कभी फ्लेयर अप कर जाता है, कभी कभी रेमिशन में चला जाता है, तो ऑटोइम्यून फिनोमेना जो है ग्रेव्स डिजीज का या रेमिशन में जा सकता है। इसके साथ फायदा ये है कि हम इसको ट्रीट करेंगे और कुछ समय में संभावना है कि ये सप्रेस हो जाएगा, जबकि ये ट्यूमरस फिनोमेना है, नोड्यूल बनता, कहीं ना कहीं बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, वो हम हमारे ट्रीटमेंट से सप्रेस नहीं होती, तो ये दोनों चीजें जो है रेमिशन में नहीं जाती, तो इनका ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद ना करेंगे कुछ समय में हम बिना दवाओं के ट्रीट इसको ठीक हो जाएगा पेशेंट, जबकि ग्रेव डिजीज का पेशेंट कुछ समय में हम दवा हटा भी सकते हैं, यह इसलिए आवश्यक। ये ध्यान रखें कि 50% पेशेंट्स जो ग्रेव्स डिजीज का ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से करते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी आप ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट समझ लीजिए, कहा कि ट्यूबरकुलोसिस का जब कंप्लीट ट्रीटमेंट हम करते हैं तब उसके बाद हम कहते हैं हमारा पेशेंट ठीक हुआ, लेकिन
जिसने बीच में छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, तो रेजिस्टेंट हो जाता है, मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं करता। वैसे यहाँ पे ग्रेव डिजीज का हम जो इरेगुलर पेशेंट है, नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स है, उनमें रेमिशन में नहीं जाते। कई बार जो जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया वह भी पेशेंट रेमिशन में जाते हैं लेकिन फिर रिलैप्स हो जाता है उसमें। तो ग्रेव डिजीज के 50% पेशेंट्स रेमिशन में चले जाते हैं, 50% जो रिस्पॉन्ड नहीं करते उनके लिए हम रेडियोआयोडीन और सर्जरी या ऑप्शंस देते हैं। जबकि सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल और टॉक्सिक मल्टीनल नोड्यूलर गोइटर में एंटीथायरॉयडल देके हम सप्रेस किए रहते हैं, बस जैसे ही हटाएंगे वो फिर क्लियर अप हो जाएगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है कि सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल में तो बहुत अच्छा, एक ही नोड्यूल, एक ही आतंकवादी का अड्डा, हमने वहां पे मिसाइल मारी और वो साफ था। तो सबसे अच्छा है इसका तो ट्रीटमेंट ही सबसे अच्छा है रेडियो आईडी। अगर एक नोड्यूल दिख रहा है स्कैन करा सकते हैं तो हमने कंफर्म किया और उसके बाद रेडियो आईडी दी और खत्म, पूरा का पूरा जड़ से साफ। टॉक्सिक मल्टी नोडल गोइटर ऐसा है जिसके आतंकवादी का एक अड्डा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये एक स्लीपिंग सेल है, वो एक्टिव सेल है, हमने एक को मारा तो दूसरा एक्टिव हो गया, ये सारी गतिविधियां होती रहती है। यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे हम इरेडिकेट नहीं कर पाते, रेडियो आईडी उतना अच्छा नहीं काम करती। सर्जरी से भी हमने निकाल दिया, कहीं छूट गया तो वहां से फिर वो बनाया। तो यहाँ पे हमें लगातार डंडा चलाना पड़ता है, एंटीथायरॉयडल उसे सप्रेस करना पड़ता है। लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं ग्रेव्स डिजीज की, जो कि 50% केसेस में सप्रेसिबल होती। तो अब हम चलिए अगले प्रश्न हम आपके लिए लेके आते हैं कि एक केस है, टिपिकल केस है ग्रेव्स डिजीज का। ग्रेव्स डिजीज है उसमें देखा हमने साइंस और सिम्टम्स भी हैं थायरोक्सिकोसिस के, उसको डिफ्यूजली एनलार्ज गोइटर भी है पूरा, और उसको ग्रेव्स ऑस्टियोपैथी भी है। ठीक, तो अब हम इसको ट्रीटमेंट करने से पहले किस टेस्ट की आवश्यकता है, पोलिंग आरंभ करिए। इस व्यक्ति में ट्रीटमेंट आरंभ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीटी ब्यू एंटीबॉडी चाहिए, एंटीटी एसएस रिसेप्टर एंटीबॉडी चाहिए, स्कैन चाहिए, या तीनों चाहिए, या कुछ नहीं चाहिए। ग्रेव्स डिजीज के साइन सिम्टम्स हैं, डिफ्यूज गोइटर है, ग्रेव्स ऑस्टियोपैथी है, इसमें ट्रीटमेंट आरंभ करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना है, जिसके बगैर ट्रीटमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो अधिकांश लोग कह रहे हैं स्कैन कराना है, और आप कह रहे हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वह भी बात सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए बात समझिए। स्कैन है, स्कैन हमने कराया, यह बिल्कुल सही अप्रोच है, लेकिन अगर स्कैन नहीं है और हमने नहीं करने का, यह एसेंशियल है, उसके बगैर काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या है, साइन एंड सिम्टम्स भी है, ग्लैंड भी इनलार्ज है, और ग्रेव्स ऑस्टियोपैथी भी है। ग्रेव्स डिजीज एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और काफी केसेस में हम इसको क्लिनिकली डायग्नोज करके और कंफर्म कर सकते हैं। आपके पास थायराइटिस क्यों नहीं है, उस वहां पे भी साइन सिम्टम्स भी होते हैं और गोइटर भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। थायराइडिटिस में ग्रेव्स ऑस्टियोपैथी नहीं होती, तो ऑस्टियोपैथी अगर है तो वह हमारे ग्रेव्स के फेवर में जाता है। ऐसे केसेस में जहां पे टिपिकल फीचर्स हैं हमें कंफर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, वैसे ही ट्रीट कर सकते। अब बात आएगी एंटीटीपीओ एंटीबॉडी, जो हम लोगों ने पहले भी कहा था एंटीटीपीओ एंटीबॉडी कहीं हमको लाभ नहीं देती। ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज हाशिमोटोज टाइप की, उसमें 90-95% में होती है, ग्रेव्स डिजीज में भी होती है। अब थायराइडिस उसमें ट्रीट नहीं करना, ग्रेव्स डिजीज में ट्रीट करना है, तो दोनों में तो होती है, बैठी हुई है 80-90% में, तो हमने डिस्टिंग्विश क्या किया। हाइपोथायरायडिज्म में भी बैठी है ये, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी बैठी है ये, गोइटर में भी बैठी है, यूथायरॉयड गोइटर में, तो 10% नॉर्मल इंडिविजुअल में, 20% गोइटर में, 90-95% ऑटोइम्यून हाइपोथायरायडिज्म में, और 80% हाइपरथायरायडिज्म में। तो हर कंडीशन में तो एंटीटीपीओ एंटीबॉडी है, तो इससे हम कुछ भी क्लियर कट डिमार्केशन नहीं कर पाते। जो ग्रेव्स डिजीज के लिए स्पेसिफिक है
वहां तो है एक तो स्कैन जो हमने बात की और एक एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, बहुत कॉस्टली है, हर जगह नहीं होती है और इसको कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अधिकांश केसेस अगर ग्रेव डॉक्टर मिल रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि वह ग्रेव डिजीज है। प्रश्न, पोलिंग आरंभ करिए। इनमें से ग्रेव डिजीज किसको है? इनको है ए को, इनको है बी को, या दोनों को है, या किसी को नहीं है? सामने वाला क्वेश्चन, तो अधिकांश लोगों ने बी और कुछ लोगों ने बो कहा है। अब देखिए इसको में भी हमने फिगर कौन सी ली, यहाँ पे आंख में क्या दिख रहा है, यहाँ की आई तो ठीक है लगभग, इसमें ये ज्यादा वाइड पेल्पिब्रल फिशर, वाइडनिंग ऑफ पेल्पिब्रल फिशर, वह थायरॉइड टॉक्सिकोसिस का साइन है, यह यूनिलैटरल भी हो सकता है, इसलिए ये वाली फोटो मैंने चुनी। तो एक तो आंख नॉर्मल से ज्यादा खुली हुई है, नॉर्मली अपर लिड जो है ना, ये अपर 2/5 ऑफ कॉर्निया को कवर करती है, यहां तक आ जाती है अपर लिड नॉर्मली, वह ज्यादा खुली हुई है। जैसे यहाँ पे निचला स्क्लेरा दिख रहा है, वैसे अगर ऊपरी स्क्लेरा भी दिख रहा हो अगर, तो वह प्रोप्टोसिस का क्लियर कट फीचर है। इस पेशेंट में राइट की तुलना में लेफ्ट वाली में प्रोप्टोसिस ज्यादा है, तो यूनिलैटरल भी कई केसेस में होती है। तो दिस इज प्रोप्टोसिस जिसमें पैल्पेब्रल फिशर वाइड हो गया, यह किसी भी टॉक्सिक फेज में मिल सकता है। हमारा आप जो हौला जाते हैं चौके होते हैं बिल्कुल, जो आप खुल जाती है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में यह हो जाता है। लेकिन जो ये देख रहे हैं ये वो एंजाइटी वाला डर वाला केवल नहीं है, इसमें क्या क्या दिख रहा है, थोड़ा सा आंखों में आईलिड्स में स्वेलिंग है, थोड़ा सब इस तरह लाल दिख रहा है, कंजेशन है, बहुत ज्यादा प्रोप्टोसिस है, ये सारे फीचर्स हैं ऑफ्थल्मोपैथी के। ये सिंपल वाइडनिंग है और यह इसके साथ में और भी चीजें, तो दिस इज ग्रेव्स ऑफ्थल्मोपैथी। जब ये मिले तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट ग्रेव्स डिजीज का है, मुझे और कुछ कराने की आवश्यकता नहीं, मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं। तो ये प्रोप्टोसिस या ग्रेव्स ऑफ्थल्मोपैथी की एक ग्रेड, ये देखिए ये उससे बड़ी एडवांस ग्रेड, जबकि खूब स्वेलिंग हो गई, खूब स्वेलिंग हो गई और ट्रांजिशन हो गया। यहाँ पे आप साइड से देख रहे हैं दिल की स्वेलिंग, स्क्लेरा कंजेस्टेड और कितनी आई बाहर निकली हुई है, यहाँ पे पूरी पूरी स्क्लेरा कंजंक्टिवा बुरी तरह से कंजेस्टेड है, इडिमा है, वाटरिंग हो रही है, और ये तो इसके विभत्स स्वरूप, ये स्टेजेस कभी भी ब्लाइंडनेस तक भी जा सकते। तो ये है ऑप्थल्मोपैथी, इनको मिलने के बाद आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, यह ग्रेट। हाँ अब रियलिटी की बात करें तो कभी कभी जरूरी नहीं कि ये पेशेंट सारे टॉक्सिक हो, अनकॉमनली ये पेशेंट यूथायराइड भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ समय बाद उनमें टॉक्सिसिटी डेवलप हो, लेकिन ये फिर सावन वाली बातें हैं, मैं नहीं बोलता उसको। चलिए अब हमारे पास दो केसेस था, ये ग्रेव्स डिजीज को बात करते हैं। एक ग्रेव्स डिजीज का केस है जिसका इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा ये ब्रोकन, इनमें से कौन सा ज्यादा टॉक्सिक है? एक पेशेंट, हम कहें ये पेशेंट, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ये केस टू है, तो केस वन ज्यादा टॉक्सिक है, इसमें हमें ज्यादा ट्रीटमेंट में ज्यादा एग्रेसिव होना है, या केस टू ज्यादा टॉक्सिक है जिसमें एग्रेसिव होना। पोलिंग आरंभ करिए, केस वन या केस टू में किसमें आप कहेंगे कि टॉक्सिसिटी ज्यादा है, या दोनों बराबर है, या हमें मालूम नहीं? ठीक है, तो अधिकांश लोग कह रहे हैं कि केस टू ज्यादा टॉक्सिक है और कुछ कह रहे हैं दोनों बराबर टॉक्सिक है। तो देखिए ये अब हमें समझना है, यहाँ पे हमें ये टीएसएच के विषय में हमने बात की थी कि टीएसएच दोनों एक्सट्रीम्स पे, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी टीएसएच का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता,
जब पीएसएल 50 के ऊपर जाता है तो 50, 60 और 500, 600 में कोई विशेष अंतर नहीं है। जब पीएसएच ज्यादा नीचे आता है तो 0.01 और 0.05 में कोई विशेष अंतर नहीं। तो दोनों एक्सट्रीम्स पे, ऊपर वाली भी और नीचे वाली पे भी, टीएसएच हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो एक्सट्रीम्स पे टीएसएच पे ध्यान नहीं देना, वहां पे हम टी4 पे ध्यान दें। टी4 जिसका ज्यादा कम है वो ज्यादा हाइपोथायराइड, टी4 जिसका ज्यादा बढ़ा है वो ज्यादा हाइपर था। तो यहाँ पे इसके अनुसार केस 2 जो है वह ज्यादा हाइपरथायराइड है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज हम कई बार टीएसएस से नहीं समझ पाते, अगर वो एक्सट्रीम्स पे है। बीच वाले स्टेज में टीएसएस ज्यादा सेंसिटिव है, एक्सट्रीम्स पे हमें टी4 की या फिर टी4 की सहायता लेनी पड़ती है।